तो आप जाइए सुगमता पूर्वक अपना वोट करिए। देखिए दर्शक सोच रहे होंगे, मतदाता सोच रहे होंगे कि मतदान को लेकर क्या क्या जरूरी है, क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, वो अनुपम राजन ने क्लियर कर दिया, आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया। तो वोट अपना जरूर कास्ट कीजिए। तो बड़वानी से बड़ी खबर मिल रही है, वोटिंग से पहले मौसम का मिजाज बड़वानी में बदल गया है। मॉकपोल के दौर में ही बारिश शुरू हो गई, सेंधवा के पोलिंग बूथ पर इंतजाम नहीं है। बारिश को लेकर प्रबंधन ने कोई पुख्ता प्रबंध नहीं कर रखा है। निर्वाचन आयोग की ओर से सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने वाला है और देखिए बारिश शुरू हो गई है लेकिन कोई खास इंतजाम नहीं। अगर मतदाता आएंगे तो कहां खड़े होंगे, कैसे मतदान करेंगे, मतदान प्रतिशत इस बारिश के मौसम में कैसे बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि इससे पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था बारिश का कि बारिश हो सकती है। प्रशासन व्यवस्था पुख्ता प्रशासन को रखनी चाहिए, चुनाव आयोग को रखनी चाहिए, जो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर उनको रखनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद उसके देखिए ये हाल है। ये सेंधवा के पोलिंग बूथ की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बड़वानी के सेंधवा की, जहां पर बारिश को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। अगर मतदाता आते हैं तो भीग के मतदान करेंगे, कैसे मतदान करेंगे, प्रशासन को कोई सुध नहीं है। ये स्थिति बड़वानी के सेंधवा पोलिंग बूथ की दिखा रहे हैं। और नीलम हमारे साथ भोपाल से हैं, अतुल हमारे साथ इंदौर से हैं और हमारे साथ संदीप भंवरकर हैं हमारे सहयोगी उज्जैन से। देखिए संदीप, अभी बात कर रहे थे मतदान को लेकर के क्या तैयारियां हैं चुनाव आयोग की ओर से, रिटर्निंग ऑफिसर्स की ओर से, अगर बारिश होती है तो। लेकिन सेंधवा की तस्वीर तो सामने आ गई बड़वानी में, कोई इंतजाम नहीं है। संदीप, लगता है कुछ तकनीकी खामी है भोपाल। देखिए निर्वाचन आयोग ने दावा तो पूरा किया था कि सभी मतदान केंद्रों पर तैयारियां रहेंगी, लेकिन शायद सेंधवा उसमें सजग नहीं रह पाया है और वोटरों को उत्साह पैदा करने के लिए जो इंतजाम चुनाव आयोग को करने चाहिए वो हर पोलिंग बूथ पर होने चाहिए। यदि उनको परेशानी होगी, मतदाताओं को, वो धूप से परेशान होंगे तो मतदान में दिक्कतें आ सकती हैं। मतदान केंद्रों पर केवल ये इंतजाम नहीं है कि आप वोट डालिए और वापस चले जाए, बल्कि उसको आकर्षक बनाया गया है। यहाँ पर परेशानी ना हो, मुसीबत ना आए वोटरों को, इसके इंतजाम किए जाने चाहिए और हर जिला निर्वाचन अधिकारी इस मामले में को लेकर मुस्तैद नजर आता है। चुनाव आयोग की तरफ से भी निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए जो भी तरकीबें अपनाई जाती हैं वो अपनाई जाएं, लेकिन सेंधवा में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ये निराशाजनक है। चुनाव आयोग के सामने, स्थानीय अधिकारियों के सामने अभी भी वक्त है, वो तैयारियां भरपूर कर सकते हैं। चुनाव यहाँ पर प्रॉपर शेड्स होने चाहिए क्योंकि सेंधवा बड़वानी का जो इलाका है यहाँ पर तेज धूप का असर होता है और आज भी जिस तरह से तेज धूप की आशंका है, बादल इस वक्त में नहीं है लेकिन बारिश की संभावना है, तो इंतजाम भरपूर किए जाने चाहिए। शेड्स भी हो, पीने के पानी का इंतजाम हो, और कई मतदान केंद्रों पर तो ऐसा इंतजाम है कि उनको ठंडा पिलाया जाए, शरबत का इंतजाम है, छाछ का इंतजाम किया गया है। और जो सामाजिक संगठन है उन्होंने भी मुस्तैदी से काम किया है कि अगर आप मतदान केंद्र पर जाएंगे अपनी वोट का अगर आप निशान अगर दिखाएंगे तो उनको अलग अलग व्यापारिक संस्थानों में डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो ऐसे जब प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मतदान केंद्रों पर उदासीनता दिखाई जाएगी तो निराशाजनक है। हालांकि वक्त अभी भी है प्रॉपर इंतजाम करने के लिए, स्थानीय अधिकारियों को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। ठीक 18 से 19 मिनट का वक्त रह गया संदीप, जब मतदान शुरू हो जाएगा। संदीप कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री मोहन यादव कब मतदान करेंगे, किस पोलिंग बूथ से मतदान होगा, अनिल फिरोजिया कब मतदान करेंगे, इसको लेकर? देखिए मैं जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, उज्जैन के फ्रीगंज इलाके में ये पोलिंग बूथ है और ये धर्मशाला है जहाँ पर मतदान किया जाना है। इसी मतदान केंद्र पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने परिवार के साथ में यहाँ वोट डालने आएंगे और जो वक्त तय किया गया है वो तकरीबन 9 बजे का वक्त है। 9 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आएंगे। प्रशासन ने यहाँ पर पहले ही तैयारी करके रखी है, पुलिस अलर्ट पर आ गई है और इलाके को की सर्चिंग की जा चुकी है और इस पूरे इलाके में गहमा गहमी का भी माहौल है चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ